यहाँ पर क्रेशर पर माल भरने के लिए आते हैं। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये ट्रक जो है वो आने शुरू हो गए हैं। रात का वक्त हो चुका है और एक एक कर अब ये जो ट्रक हैं ये जोन में जाएंगे और यहाँ से इन ट्रकों को भरा जाएगा। ये जो डंपर जा रहा है इसमें पानी भी टपक रहा है, देखो तो ये ओवरलोड है कि अंडरलोड है? ये ओवरलोड है जी, ओवरलोड है। देखो दिखाओ जरा पीछे, देखो ओवरलोड है। मैं गाड़ी में बैठकर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नीचे उतरने की जगह नहीं है, पूरे सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ है, पानी डाल दिया गया है। गांव में जाने तक के रास्ते जो हैं इन ओवरलोड वाहनों ने छोड़े नहीं हैं। बड़ी समस्या के साथ मैं धीरे धीरे आगे जाऊंगा, अब आपको दिखाऊंगा। मैं तीन डंपर लगातार आ रहे हैं, देखिए एक डंपर ये है और अब ये भरने के लिए जोन में जा रहे हैं और जोन में जाने के बाद ये ओवरलोड डंपर भर के आएंगे। पूरी रात ये डंपर चलेंगे, सड़कों का ये हाल होगा और कोई दिखाने और बताने वाला नहीं। दिक्कत होती है, मुर्दा तो गांव से बाहर निकलता नहीं है ना, इस रास्ते को चले जा मुर्दा लेकर जमुना नदी में। अच्छा, तो परेशानी इतनी है मेहमान आ जाना जो है ना गाड़ी दोबारा नहीं है, दिक्कतें होती हैं जाने जी, बहुत ज्यादा दिक्कत। इसकी वजह से रिश्ते नहीं हो रहे सर, हमारे रिश्ते भी नहीं हो रहे हैं। ये देखपुर जिले के अंदर अवैध खनन जहां लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है, तो वहीं सड़कों के लिए भी सड़कों पर दौड़ते जो डंपर हैं, जो ओवरलोड वाहन हैं, वो भी कहीं ना कहीं खतरे का सबब बनते हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग इन सड़कों से होकर के गुजरते हैं और इन सड़कों की हालत क्या है ये दिखाने के लिए आपको आज मैं पहुंचा हूं ग्राउंड जीरो पर। बड़था नानोली क्षेत्र का ये पूरा इलाका है जहां पर आप तस्वीरों में देखिए किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं और ये सड़क देख लीजिए किस तरीके से यहां पर लोग जो हैं आते जाते हैं। इतनी रफ्तार से जो है डंपर आ रहे हैं यहां पर। कुछ और भाई भी खड़े हैं यहां पर, क्या नाम भाई आपका? मनोज सैनी जी। तो मनोज सैनी कौन सा गाँव है आपका? सलेमपुर जी। तो ये सड़कों का हाल क्यों है ऐसा? ये डंपर तोड़ रहे हैं, चल रहे हैं डंपर तोड़ रहे हैं। तो सरकार इनको बनाती नहीं क्या? ना जी। वाहन ओवरलोड होते हैं कि नहीं? ये चल रहा है डंपर ही। ये देखिए डंपरों की लाइन, अब आपको दिखाऊंगा मैं। तीन डंपर लगातार आ रहे हैं, देखिए एक डंपर ये है और अब ये भरने के लिए जोन में जा रहे हैं और जोन में जाने के बाद ये ओवरलोड डंपर भर के आएंगे। पूरी रात ये डंपर चलेंगे, सड़कों का ये हाल होगा और कोई दिखाने और बताने वाला नहीं है। पुलिस से जब इस बारे में प्रशासन से बात की जाती है तो गोलमोल जवाब आता है। ये देखिए दूसरा डंपर आ गया, अब ये डंपर रात को भरने के लिए जा रहे हैं, शाम का वक्त है। तस्वीरों में देखिए भाई भी जा रहे हैं, तो डंपर जो है भरने के लिए चल पड़े हैं यहाँ से। ओवरलोड वाहनों की कतार है, कोई रोकने सुनने वाला नहीं है। एक भाई और आया, मैं उससे पूछूंगा। देखिए डंपर यहाँ पर। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुकर्रम। तो भाई ये जो सड़कों का हाल है यहाँ पर, ये इतना खराब क्यों है? ये ट्रैफिक की वजह से, अब तो पानी भी छिड़कने लगा यहाँ से, वरना धूल धिमाल रहे थे जी। तो प्रशासन क्या इस पे ध्यान नहीं देता है? नहीं जी। ये डंपर जो जा रहे हैं, पीछे दिखाओ जरा एक बार, ये डंपर जो जा रहे हैं ये ओवरलोड आते हैं भर के उधर से कि अंडरलोड आते हैं? जी अंडरलोड भी आते हैं, ओवरलोड भी आते हैं। तो जो ओवरलोड वाहन आते हैं उनकी क्या प्रशासन को जानकारी नहीं है? बस जी एक बार हम तो दो तीन बार जाम सा भी लगाए थे, यहाँ सड़क रोक दे कि इसका इंतजाम करो, फिर यही है सिस्टम, एक दो दिन पानी छिड़का है फिर ऐसे ही कर दे इसको। तो लोगों को दिक्कतें होती हैं जाने जी? बहुत ज्यादा दिक्कत। इसकी वजह से रिश्ते नहीं हो रहे सर, हमारे रिश्ते भी नहीं हो रहे हैं। ये देख लो इनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं क्योंकि सड़क खराब है यहाँ जी। जी यहाँ तो रिश्तेदार भी आते हैं गाँव में, एक की सगाई गई वापसी सड़क की वजह से जी। तो और कोई रास्ता है गाँव में जाने का? बस जी और तो है नहीं, मेन तो यही है रास्ता, मेन रास्ता यही है। तो जब नेताओं से बात करते हो तो क्या कहते हैं नेता और अधिकारी? नेता तो यही कहा बस आके इस बार डलवा देंगे, बस कह के चले जाओ, काम बिल्कुल नहीं होता है। तो ये रास्ता भाई साहब जरा इधर आ जाइए, किसान है उनसे बात करेंगे। तो ये रास्ता कहाँ कहाँ को जोड़ता है? ये इधर से नानोली से? जी नानोली से, बढ़ते से, माजरी से, आगे बढ़ता भी है जी। तो ये जोन भी आगे क्रेशर चलते हैं? जी बढ़ता ही है, बढ़ता क्रेशर, क्रेशर चलते हैं आगे। तो क्रेशर वाले भी कुछ गलत धंधा कर रहे हैं? बस जी क्रेशर वाले तो क्रेशर वाले ही डलवा दे जिस पे माल वाल पानी वाली, और कोई नहीं करता यहाँ कुछ। क्रेशर वाले भी कुछ अवैध काम कर रहे हैं? हां जी हैं, चल रहा है अवैध काम। हाँ चलो ठीक है, भाई हैं किसान, उनसे पूछते हैं, किसानों से थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। वो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये डंपर जो है भर के ऐसे भर के आते हैं जोन में से। हमने जो आपको डंपर दिखाए वो जाते हुए दिखाए, अब ये आते हुए हैं। अब शाम हो गई है ना, तो डंपरों की शुरुआत होगी, भर भर के डंपर आएंगे। ये कुछ किसान है उनसे बात करते हैं, जरा अंदर ही चले जाएंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? कुलदीप सिंह। तो कुलदीप जी कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? नानोली। नानोली के हैं। तो ये सड़कों का हाल क्यों है जरा देखिए एक बार दिखाइए। तो पत्रकारों ने, विधायक ने, इन्हें देखना चाहिए, परेशान है हम तो। ये जो डंपर जा रहा है इसमें पानी भी टपक रहा है, देखो तो ये ओवरलोड है कि अंडरलोड है? ये ओवरलोड है जी, ओवरलोड है। देखो दिखाओ जरा पीछे, देखो ओवरलोड है, ओवरलोड डंपर जा रहे हैं। अब देखिए ये परेशानी किस बात की है यहाँ? अब तो पानी भी डाल ले, चाहे पानी भी डाल लेते। पानी कौन डालता है? पानी भी करे स्रोत लगा गिरनी, दो तीन दिन से लगा गिरनी उसके। वहाँ तो सख्त कार्रवाई है, कैमरे वहाँ लग रहे। मेरे कंटा जिला पंचायत भट्टी जाकर देखो, वाल
स्टेशन ओनली में जिला पंचायत मेरा अपना निजी घंटा है। रास्ता सिर्फ क्रेशर की वजह से चल रहा, वरना उसके क्रेशर कौन सा मतलब कोई से भी क्रेशर है उनकी वजह से चल रहा, वरना ये रास्ता नहीं चलता। ये तो कच्चा रास्ता भी नहीं होता अगर जो यहाँ से क्रेशर ना होते। भाई साहब ये रास्ता ही जोन ना चला नहीं, रास्ता ना बताऊं रास्ता इतना गजब था, कोई भी इसके वन थी रास्ता बढ़िया था अच्छा था पहले तो। इसके तरह तो हम एक बात कर सको, और जब कोई मजदूर चाहे मरवा तो मजदूरी ले लो, इसके बाल तड़ा काट कर ना इंटा देख सकते हो, इंटा वाली गड़न खड़न जा। तो ये जो है बनाया क्यों नहीं जा रहा रास्ता, क्यों नहीं बन रहा है? जोन की वजह तो नहीं बन रहा है, जोन चल रहा है इसका, पैसा मंजूर है, पैसा आ रखा है। तो क्या दिक्कतें होती हैं गांव में, देखिए रास्ता इतना गीला है जाने में। कोई नया मेहमान आ जाना आएगा जो है ना गाड़ी दे बस, और कुछ नहीं है, दोबारा आता ही नहीं है इधर। ये बताओ जैसे अब शाम हो रही है, अभी डंपर जा रहे हैं भरने के लिए, पूरी रात डंपर चलेंगे पूरे रात 24 घंटे, तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती इनपे? बजे मैं पता नहीं उस बात का, देखो सरकार के लोग सरकार भी मारी, सरकार तो भी वोट दे रहे हम, सारे काम हम कर रहे हैं, मजबूरी मारी वोट से देना ही हमें। चलो भाई साहब तो बताने, अच्छा मुझे ये बताओ पुलिस क्या इसमें इन्वॉल्व है, या पुलिस अपना काम करती है प्रशासन, या वो भी कहीं अंदर खाने मिले हुए? इस बारे में हमें नहीं पता है, पुलिस क्या कोई खहरा है नहीं खहरा, ये हम तो अपने काम में लग रहे किसान है हम। जब ओवरलोड वाहन जा रहे हैं तो दिक्कत तो होती होगी ना, सब दिक्कत तो ओवरलोड वाहन पे कार्रवाई होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कार्रवाई। तो धूल इतनी थी गड्डी के पीछे, भाई आए देखिए कुछ सामान वामान बेच के आए, इनसे पूछेंगे कौन से गाँव से आए हैं, कौन से गाँव से आए भाई आप? सलेमपुर से जी। तो सामान आप बेचते हो तो ये सड़कें इतनी बढ़िया है, 5-star सड़कें बनी हुई है, इनका क्या? बहुत बढ़िया सड़क है जी। तो कैसे चलते हो इन पर फिर आप? इसी तरह चलते हैं धक्के खाते हुए। हाँ ये देख बड़ी बात कह रहे हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है तो क्या दिक्कत होती है? मुर्दा तो गांव से बाहर निकलता नहीं है ना, इस रास्ते को चले जा मुर्दा लेकर जमुना नदी में, यहाँ तो परेशानी इतनी है इस रास्ते की पूछे ना। तो ये वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जब अवैध वाहन आते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? जी कार्रवाई कौन करे यहाँ से, जब सारे आदमी ऐसे ही रहे करेसर वाले है, वो अपना कासकार का है करेसर वाले, फिर अपना पाग चलिए ठीक है। अब जरा देख लीजिए पीछे एक और ट्रक आ रहे हैं, अभी ट्रकों की लाइन लगेगी पूरी रात, रात के पूरे रात जो है यहाँ पर ट्रक चलेंगे। 5 बजे का वक्त है, 5 बजे के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अवैध वाहनों की लंबी कतारें लगेंगी रात को। और देखिए मैं एक बार और आपको दिखाऊंगा, थोड़ा इधर आ जाते हैं, क्योंकि सड़क इतनी खराब है कि हमसे खुद नहीं चला जा रहा है, पूरी फिसलन सड़क पर हो रही है। किसान है, 2 फावले इनके सर पे कंधे पर रखे हुए हैं, और चलने के लिए देख लीजिए कितनी दिक्कतें होती हैं कि साइड से चलते हैं पानी डाल देते, पूरा रास्ता जो है वो चिकना हो रखा है। और देखिए दूर तक अगर आप देखेंगे तो सड़क बहुत बुरी है, ये बता रहे थे यहाँ के लोग कि सड़क पहले बहुत अच्छी थी लेकिन जोन की वजह से सारी सड़क को तोड़ दिया गया है। और उधर देखेंगे दूर तक आप तो रिश्ते होने भी बंद हो गए, कतई रिश्ते होने बंद हो गए। जरा एक बार दिखाइए पीछे उधर से घूम करके किस तरीके से यहाँ पर जो है वो ट्रक आ रहे हैं, अब ये ट्रक पूरे पीछे तक लाइन लगी है, इनको भरा जाएगा, पूरी रात सड़क पर ये वाहन दौड़ेंगे। तो इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये नानोली गांव है, और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे इधर तो इधर मस्जिद है। खैर मैं आपको नानोली से बढ़ते का रास्ता दिखाऊंगा। इस वक्त मैं गाड़ी में हूँ और मुझे गाड़ी में चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरी गाड़ी बार बार स्लिप हो रही है। मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे इस रास्ते से होकर के आगे गुजरूंगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी गाड़ी चलने की जगह नहीं है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि सामने से देखिए लोग कैसे आते जाते होंगे, देखिए 2 मोटरसाइकिल आ रही हैं। मैं गाड़ी में बैठकर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नीचे उतरने की जगह नहीं है, पूरे सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ है, पानी डाल दिया गया है, गाँव में जाने तक के रास्ते जो हैं इन ओवरलोड वाहनों ने छोड़े नहीं हैं। बड़ी समस्या के साथ मैं धीरे धीरे आगे जाऊँगा और मैं जोन में दिखाऊँगा कि आखिर किस तरीके से जोन में इन वाहनों को भरा जाता है। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि जो यहाँ से गुजर रहे हैं वाहन, वो लोग कहते हैं कि ये ओवरलोड वाहन नहीं है, जबकि क्षेत्र के लोगों से हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर वाहन जो गुजर रहे हैं वो ओवरलोड वाहन है। तो सारी रात इन सड़कों पर ओवरलोड वाहन दौड़ते हैं, रास्ता जाने का कोई है नहीं। नानोली गाँव है ये, बेट क्षेत्र का गाँव है, और आगे देखिए एक डंपर है, एक वाहन है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कब हमारी गाड़ी यहाँ से होकर के गुजरेगी, और उसके बाद वो इस रास्ते से होकर के अपनी मंजिल तक जाएगा जहाँ पर उसको अपना ये वाहन खाली करना है। तो जिस सड़क पर मैं चल रहा हूँ, मुझे लगता है कि तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि सड़क की हालत क्या है। बिल्कुल 0 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है, और जो आगे वाहन है वो बार बार लाइट देकर हमें इशारा कर रहा है कि आप जल्दी से आ जाइए, मुझे जाना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा गाड़ी की रफ्तार बढ़ा करके देखें आराम आराम से, क्योंकि अगर हम थोड़ा तेज़ चलेंगे तो मुझे लगेगा कि कैमरा जो है सही से हैंडल नहीं हो पाएगा। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है सड़क की, तो गांव वाले कैसे गुजरते होंगे जब हम ही इस रास्ते से गाड़ी से होकर नहीं जा रहे हैं। अब आप देखिए आगे एक ट्रक है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, उस ट्रक में भी कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ पर लोडेड है वो ट्रक,
और इसमें माल भरा हुआ है और कोर्सेंट भी हो सकता है, रेत भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरा एक जोन है जहाँ पर क्रेशर चलते हैं और क्रेशरों ने क्या इस क्षेत्र की हालत कर दी है ये मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। तो तस्वीरों के माध्यम से मैं और आगे की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। देखिए ये एक और गांव आया है, तो कैसे ये गांव के लोग जो हैं, इधर देखिए ये एक और गांव है, कैसे ये लोग यहां पर रहते होंगे ये एक बड़ा सवाल है। इस गांव के लोग कितनी मुश्किलों से होकर के गुजरते हैं यहां पर और क्या हालत यहां पर सड़कों की हो रखी है ये एक बड़ा सवाल है। अब आगे की तस्वीर ज़रा देख लीजिए कितनी बुरी हालत यहाँ पर है, कैसे ये लोग होकर के गुजरते होंगे। और चलिए अब मैं आगे जोन में जाऊँगा और जोन में क्या कुछ परिस्थितियाँ हैं, कैसे लोग भरते हैं, कोशिश करूँगा वो सब दिखाऊँ। हालांकि अंदर जाना अलाउड नहीं होता है और जब कैमरा और माइक लेकर के हम पहुँचेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का क्या माहौल रहने वाला है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि कुछ बाहर से आपको दिखाने की यहाँ पर के ज़िला प्रशासन थोड़ा सा इस पर सजग रहे, कुछ तो कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ हो, क्योंकि कल ही एक 23 साल के जो बच्चा था उसके ऊपर एक ट्रक ने उसको रौंद दिया और वो PGI चंडीगढ़ में एडमिट है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी 2-3 ऐसे गंभीर मामले आ चुके हैं जहां पर इन ओवरलोड वाहनों ने बच्चों को रौंदा हो। कल का ही मामला है, ताज़ा मामला सरसावा में उस बच्चे को रौंदा गया और उसके दोनों पैर, जहां तक मुझे लग रहा है कि दोनों पैर अब नहीं बचेंगे, एक पैर तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं बचेगा। तो ये बड़ी विकट स्थिति है इन वाहनों की कि कोई इन पर ध्यान नहीं देता है। देखिए बड़ी समस्या हो रही है हमें जाने में, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा रफ्तार से चले नहीं तो गाड़ी बैठ जाएगी, थोड़ा तेज चलाइए इसको। तो ये हालत है देखिए सड़कों की कि गाड़ी में निकलना मुश्किल है यहाँ पर, हम बड़ी मुश्किल से आगे जा रहे हैं, पूरे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है। तो ये हालत है यहाँ पर कि आगे जाने का रास्ता नहीं है। मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि बीच बीच में से होकर के चलें, नहीं तो गाड़ी फंस जाएगी यहाँ पर, आप गाड़ी रोक लो एक मिनट। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ उसी जोन पर जिसे पूरा एक जोन कहा जाता है, जहाँ पर क्रेशर पर माल भरने के लिए आते हैं। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊँगा किस तरीके से ये ट्रक जो है वो आने शुरू हो गए हैं। रात का वक्त हो चुका है और एक एक कर अब ये जो ट्रक हैं ये जोन में जाएंगे और यहाँ से इन ट्रकों को भरा जाएगा। अंडरलोड भरेंगे या ओवरलोड भरेंगे ये तो इन्हें तय करना है और साथ ही स्टोन क्रेशरों के मालिकों को तय करना है। 1, 2, 3, 4 लगातार अगर आप पीछे तक देखेंगे तो कतारें ही कतारें लगी हुई हैं। दिन में ये चीज़ें नहीं होती हैं, दिन में अगर आप यहाँ आएंगे तो बड़ी शांति आपको मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे रात अपने उफान पर होगी, रात जैसे जैसे चढ़ेगी उसी हिसाब से इस जोन में वो काम करने शुरू हो जाएंगे जिन्हें अवैध माना जाता है। और ये पूरा जोन अगर मैं आपको दूर तक दिखाऊंगा तो ये पूरा क्रेशर का जोन है जहां पर स्टोन क्रेशर लगे गए हैं। पड़था नानोली का वो क्षेत्र है जहां पर तमाम स्टोन क्रेशर हैं और इन्हीं स्टोन क्रेशरों से यहां पर जो खनिज सामग्री है वो भरी जाती है और उसके बाद ये पूरे ज़िले में दौड़ते हैं वाहन। और लगातार सड़कों की क्या हालत थी वो हमने आपको दिखाई, JCB मशीन हो, तमाम जो साधन हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जोन है, आगे क्या कुछ होगा, जोन के अंदर क्या कुछ होगा, कोशिश करूँगा कि वो तस्वीर भी आपको दिखाऊँ। क्षेत्र के लोगों ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको दिखाया, सड़कें क्या हैं वो हमने आपको दिखाई, कोशिश करते हैं आगे चल के और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा सकें। फिलहाल इतना ही। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।